हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए 3 फ्लोर प्लान वीडियो के साथ आया हूँ। हाँ, बीच में वीडियो कुछ दिन आ नहीं सका, इसके लिए सॉरी, पर फिर से हम नए वीडियो के साथ आ गए हैं। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं हमारे 3 फ्लोर प्लान वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा 3 फ्लोर प्लान है, मतलब 3 तल्ला, जो बिजनेस पर्पस से क्लाइंट ने बनवाया है। इसमें हम 3 फ्लोर प्लान देखेंगे। तो सबसे नीचे तल्ले मतलब ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं, पर चलने से पहले हम आपको बता दें कि ज़मीन कितना है। तो टोटल ज़मीन हमारा 9327 स्क्वायर फीट है, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर 5062 स्क्वायर फीट में बनाया है, जो एक रेस्टोरेंट है। इसमें हमने सामने से इस साइड 76 फीट छोड़ा है और इधर 52 फीट छोड़ा है। ज़मीन आगे थोड़ा कर्व है, इसलिए एक साइड हमें ज़्यादा स्पेस मिल रहा है और चौड़ाई 34 फीट है। यहाँ से एंट्री है 6 फीट का अंदर जाने का, और एंट्री के साथ ही हमारा स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी है। हम एंट्री से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा रेस्टोरेंट का एरिया शुरू होता है। यहाँ पर जो स्पेस फॉर सीटिंग है वो 40 फीट 9 इंच बाय 32 फीट 6 इंच का है। सामने यहाँ सीटिंग टेबल है रेस्टोरेंट का, और राइट साइड में रिसेप्शन है। इस साइड आते हैं तो यहाँ हमारा लॉबी है, जिसका एंट्री साइज 6 फीट का है। लॉबी में आते हैं तो हमें एक अच्छा स्पेस मिलता है, जो 15 फीट 10 इंच बाय 17 फीट का है। लॉबी से हम रेस्टोरेंट की तरफ फिर जाते हैं तो यहाँ से आगे जाने पर पीछे साइड हमें किचन मिलता है, जो 12 फीट बाय 15 फीट का है। और किचन के राइट साइड हैंड वॉश बेसिन मिलता है, जो 5 फीट 9 इंच बाय 4 फीट 7 इंच का है। और बेसिन के साथ ही टॉयलेट रूम भी है, जो 5 फीट 9 इंच बाय 5 फीट का है। यहाँ से जब इधर आते हैं तो एक हैंड वॉश बेसिन एरिया यहाँ भी हमें मिलता है, और यहाँ भी टॉयलेट एरिया हमें यहाँ मिलता है, जो सेम साइज का है। यहाँ हमें एक पासेज एरिया मिलता है, जो 6 फीट 8 इंच का है। और यहाँ पर एक और किचन है, जो 17 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का है। यहाँ से निकलने के बाद राइट साइड में एक स्टोर यूटिलिटी स्पेस है, जो 10 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का है। यहाँ से निकलने के बाद इधर आते हैं तो एक बड़ा साइज का डाइनिंग बफेट हॉल मिलता है, जो कोई भी पर्पस से हम यूज कर सकते हैं, जैसे पार्टी फंक्शन कुछ के लिए भी। और इसका साइज 54 फीट 7 इंच बाय 32 फीट 6 इंच है। और यहाँ पर हैंड बेसिन स्पेस दिया हुआ है, और दो कॉमन टॉयलेट रूम दिया हुआ है। दोनों का साइज सेम है, 6 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक तो देखा कि हमारा ग्राउंड फ्लोर में क्या है। यह एक रेस्टोरेंट है और इस जगह को पीछे साइड खाली रखा है कि इसमें ऑर्डर के हिसाब से इसे भी पार्टी के लिए यूज कर सके। तो अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से भी एक रास्ता है हॉल में आने का और बाहर जाने का, और यहाँ से ऊपर फ्लोर में जाने का रास्ता सीढ़ी से है। तो दोस्तों, हमने नीचे तल्ले मतलब ग्राउंड फ्लोर को तो देख लिया, तो अब हम पीछे वाले सीढ़ी से ही आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब दूसरे तल्ले पर। इस फ्लोर पर आने के बाद यहाँ हमें मल्टीपर्पस हॉल मिलता है, जो 82 फीट 4 इंच बाय 32 फीट 6 इंच का है। यहाँ पर एक स्टेज है, जो 15 फीट बाय 9 फीट का है। और इधर आते हैं तो एक कॉमन टॉयलेट है, 6 फीट बाय 6 फीट का। दोनों टॉयलेट का साइज सेम है। इस वाइड पासेज में आते हैं तो दोनों साइड रूम मिलता है,
जो बाथरूम अटैच है, पहले इस गली का साइज बता दें। इस गली मतलब पासेज का साइज 6 फीट 8 इंच है और दोनों साइड रूम है। इस साइड 3 रूम है और इस साइड 3 रूम है। सभी रूम का साइज 10 फीट बाई 12 फीट 6 इंच का है और टॉयलेट जो रूम से अटैच है उसका साइज 6 फीट बाई 6 फीट का है। तो आपने यहाँ तक तो देख लिया और समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बालकोनी है जो 15 फीट 10 इंच बाई 23 फीट 4 इंच का है। और ये तो आप ग्राउंड फ्लोर से ही देख रहे हैं कि इस साइड भी एक सीढ़ी है। तो अब हम इस सीढ़ी से तीसरे तल्ले पर चलते हैं। तो तीसरे तल्ले पर आने के बाद हम आपको बता दें, ये होटल पर्पज से तैयार किया गया है जिसमें 18 रूम है जो अटैच है बाथरूम के साथ, जिसमें सभी रूम और बाथरूम का साइज सेम ही है। रूम का साइज 10 फीट बाई 12 फीट 6 इंच है और टॉयलेट का साइज 6 फीट 6 इंच का है। इसमें सिर्फ ये रूम थोड़ा बड़ा है, ये रूम का साइज 10 फीट बाई 13 फीट 9 इंच का है। तो दोस्तों आपने तीनों फ्लोर को देखा और समझा। तो अब हम इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो चलते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरफ। Yeah.